अंतिम सवाल है तारा से जी, मोदी जी से थे खुश हो गए? देखो साहब, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मैं खुश हूँ, कोई नाराज कहा हुआ? नाराज नहीं है, नाराज कहा हुआ, मैं खुश हूँ। मतलब प्रधानमंत्री आज भी खुश होया, फिर एक व्यक्तिगत तरीके से खुश हो ना? देखो प्रधानमंत्री आज जो राजनीति में राजा होके बैठे हैं, मैं तो बहुत नाराज कहा हुआ, यह बताओ थे खुश अपने मतलब खुश की थे पूछे न तो मैं कोई पार्टी का बंदे आदमी कौन है समझा ने? मैं यह चाहू हूँ जनता की सेवा हुआ। राम राम जी, नमस्कार जी, मैं आपके साथ में सचिन शर्मा और आपको एक बार फिर से स्वागत है खबर से खबाटी के एक और नए एपिसोड में। जैसे कि आप सब लोग मालूम है, आपने एक प्रोग्राम चल रहे हो कि ग्राम पंचायत में के विकास कार्य होया है, और जब से सरपंच बनाया तब से लेकर के ग्राम पंचायत में के समस्या देखी और बामन से के समस्या को समाधान सरपंच के द्वारा करवाया गया है। तो अभी आप मौजूद हैं ग्राम पंचायत पिथुसर में, और पिथुसर का जो सरपंच प्रतिनिधि है वो अपने साथ मौजूद है। तो आज आप जानेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर आकर द्वारा के विकास कार्य करवाया गया और साथ ही अन्य के समस्या देखी वहां से के समस्या को यह समाधान करवाया है। तो बी के बारे में जानेंगे। राम राम जी सरपंच साहब। राम राम जी। राम ये नाम है सरपंच साहब आपको? मेरे नाम तो सरपंच नहीं था बा, मेरा नाम मुकुंदाराम, मुकुंदाराम है। मुकुंदाराम जी जी। तो मुकुंदाराम जी जाते सरपंच बनिया जी टाइम, तो थाने ग्राम पंचायत में के समस्या दिखी? ग्राम पंचायत में तो हर चीज की समस्या ही, पानी की समस्या ही, और पंचायत नहीं बनी भी समस्या ही, मारा बहुत दिक्कत ही। माने गोखरी जानो पर तो सीमा तोड़ की, तो वह गोखरी जानो पर तो मारा बड़ी भारी समस्या ही। मारा कम से कम चार पांच कोस हो और बड़े जानो पर तो माने तो मारा ने पंचायत रख दी है नहीं, तो बहुत बढ़िया काम करे, बहुत बढ़िया काम करे, बहुत बढ़िया सरकार ने बहुत बढ़िया काम करे। और पानी की समस्या भी बाबी साहब बिल्कुल हल है, क्योंकि ये जो कुमाराम लिफ्ट नहर वालों पानी भी मारा आ रहे है, घर घर में टूटी लाग रही है, और जो पंचायत का माँ काम कराए काफी कुंड करवाया है, और पंचायत घर नए बनाए हैं, और सॉफ्टी कोई कार्य भी काफी करवाई है, और सीसी रोड भी बनवाई है, इंटरलॉक रोड भी बनवाई है, और दूसरी बात ये एक औषधालय और व्यापारियों ने ढाड़ी का माँ औषधालय भी बना दियो, और मारे भी औषधालय आ रहे हैं अभी देखो आयोग को रिपोर्ट वो भी बना श्या, लेकिन काम है खूब ही करवाया है। अच्छा जहाँ थे बता रहे हो द्वारा शिशु सड़कों को निर्माण भी करवाए थे, साथ ही जो औषधालय वगैरह बाकी निर्माण हुए हैं, तो मैं आप अगर बात करा ग्राम पंचायत में एक शिक्षा का क्षेत्र भी हुआ है, बिम भी सुविधा हुआ, तो आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुविधा है? शिक्षा के क्षेत्र में साहब है मेरा खूब काम करवाए स्कूल का माँ, हमारी स्कूल मतलब चेन्नई स्कूल है, तो ताने दिखा के लाऊंगा मैं, काफी तो दरखत लगवाए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है, और कमरा बनाए तो बाकी भी अच्छी साफ सफाई है, और स्कूल का वहां कुंड भी बनवा दियो, बाकी बहुत अच्छा अच्छा काम करा है, मैं तो कोई गलत काम करूँ। अच्छा जैसे बता रहे हो कि तार द्वारा विकास कार्य करवाया गया, क्योंकि नई पंचायत बनी तो विकास कार्य की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और बताए पूरी भी करवाई है। अब जैसे तारो लगभग एक साल को कार्यकाल और बच रहे हैं, तो बी के अंदर थे के प्लान बना रहा होगा, अभी के काम करवाना बाकी है? अभी साहब बैंक में काम कराना बाकी है, एक तो गाँव के मान है जो कच्चा रास्ता है ऊंचा बस रहे हैं, और बाका बा नाला पड़ रहे हैं, बाका इंटरलॉक खुला बनाना जरूरी है समझा, और दो चार मतलब कुआ है हमारी पंचायत में, चार कुआ है, बा कुआ मतलब जर्जर हो रहे हैं पुराने टाइम का है, तो बाकी मरम्मत करानी जरूरी। अच्छा, और बाकी खेर खाल भी थोड़ी ठीक करवानी, क्यों कि गाय भैंस पानी पीवे बेचारा जानवर तो बगटों पीवे आ दिक्कत है, वास्ते वो भी काम करवाना है, और भी गांव में इंटरलॉक भी बनवानी है कई जगह घर से लेके कई मतलब काफी दूर तक है, और भी काम कई करवाना है, तो मैं तो करवाया साहब। तो जैसे नई पंचायत बनी है तो थाने कोई नई पंचायत बनने बाद में कोई समस्या भी देखनी पड़ेगी कि भाई अपनी काम में समस्या देखनी पड़ी है? ना ना ना, समस्या तो कोई हो रखी, काम करो वो सटासट हो गयो, सरकार पैसा दे दिया और काम कर दियो। तो अब जहाँ आप बात करा कि ग्राम पंचायत में कच्चा रास्ता एक सबसे बड़ी समस्या हुआ आजकल देखने, तो आपकी ग्राम पंचायत में किता गया का रास्ता है, जगह भी कच्चा ही, जगह पक्का करना बाकी है? पक्का करना बाकी है, एक तो ये रास्ता ही है साहब जो आप अच्छी सर जो रास्ता आया हो ना वो रास्ता, और
एक जो ढाणी को रस्तो है पल्ली साइड में वो भी हो जाए पक्को तो बढ़िया है। गांव की गलियां वगैरह सब पक्की हुई, गांव की गलियां वगैरह पक्की को नहीं साहब कच्ची है और बाकी में लिख रखी है लेकिन भाई पीरियड में देशा तो मतलब करवानी इंटरलॉक जुड़वानी का मतलब तारो यही है कि तेरी एक साल में करवा दे करवावा में करवाओ। अच्छा जया जो पंचायत भवन है क्योंकि नई पंचायत है तो नए पंचायत भवन ही बने होंगे शायद तो वो कंप्लीट हो गए बनके। हाँ पंचायत भवन कंप्लीट कर दी, कंप्लीट कर दी बिल्कुल, रंग रोगन किवाड़ क्यों चढ़ोगे एकदम कंप्लीट कर दी। अच्छा जहाँ ग्राम पंचायत में एक समस्या और देखा आप सबसे पहले ग्राम पंचायत में कुंड भी बनवा दी। हाँ वही चीज को फरमा रही हूँ जहाँ आप ग्राम पंचायत में एक चीज देखा कि आज के टाइम लोगा के आप ई एरिया की बात करें तो पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा आया जा रही है धीरे धीरे क्योंकि कुआ को जो वाटर लेवल है वो भी नीचे जाया जा रहा है जी। तो बी की वजह से या फिर पानी के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है तो बी की वजह से दिक्कत आ रही है लोगों के, तो बी के लिए के मतलब समाधान कर रहे हैं और क्या प्रयास कर रहे हैं। बी के लिए साहब समाधान यही है कि मैं तो यही प्रयास कर रहे हैं कुंड हुए मैं भाई कामयाब हूँ मैं बारिश का कुंड क्योंकि बारिश का कुंड हो जाना है तो बंगवा साहब वो पानी इकट्ठा हो जाना है पीने के लिए समस्या को नहीं है और धन के लिए तो साहब ये कुआ कवा को पानी को खारो है तो पीने कोई दिक्कत को नहीं नहाना धोने के लिए कोई परेशानी दिक्कत को नहीं। लेकिन मेन चीज यह है कि कुंड जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मेरी पंचायत में साहब आगे बढ़ता हुई डाणी में बेपरियाणी डाणी में और अमेरिका आवास में हमारे गांव में तो कुंड हो गया पितुसर में तो वो दो चार बाकी हैं लेकिन अठन है कुंड होना जरूरी है बेचारा का वहां समस्या है तो कुंड पूरा करना जरूरी है। जय अभी आपका सरपंच प्रतिनिधि से बातचीत करी है तो आपके द्वारा ग्राम पंचायत में जो कच्चा रास्ता है बांध पक्का करने के लिए भी प्रयास करे जा रहे हैं साथ ही जो पीने के पानी की जो समस्या देखा आपका ग्राम पंचायत हम तो बी के लिए ये बता रहे हैं कि कुंड को निर्माण हो रहे भी है बाकी ये प्रयास कर रहे कि और भी कुंड बन जाए ताकि पीने के पानी की समस्या नहीं रहे। अच्छा सरपंच साहब थे सरपंच बने पहली बार सरपंच बने जी तो सरपंच बन के किसोक लग रहे साहब सरपंच बन के तो बढ़िया लाग रहे है बढ़िया लाग रहे है कि पांच आदमी में बैठा और अच्छी ढंग की बात करा और कोई शिक्षा दे भी अच्छी दे और तो पली खराब देता के पहला तो नहीं है कि देखो गांव में तो गांव ही था और जो मतलब के है कि मुख्य मौजूद आदमी में बैठा ने तो बा में शिक्षा तो मिल रही है साहब शिक्षा तो हाँ मन तो अच्छे लग रहे है अच्छे लग रहे है देखो यहाँ है कि अच्छी बात है और समिति में जावा तो माने हर चीज को फिक्शन दी तो वो भी बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बात बतावे मतलब अच्छे अनुभव हो रहे हैं। अच्छे अनुभव हो रहे हैं। अच्छा जय सरपंच जी थे बात कही है कि सरपंच बन गए थाना अच्छे लग रहे हैं ठीक है क्योंकि समाज के बीच में रह रहे हो नई चीज सीख रहे भी हो नई चीज बता रहे भी हो ठीक है साथ ही मौजूद लोगों के बीच में रहोते ठीक है। अच्छा जो जनता हम देख रही है जहाँ ग्राम पंचायत की जनता भी देख रही हो साथ ही अपने शेखावाटी क्षेत्र की जनता पूरी देख रही है साथ ही तारा जो साथी सरपंच है वह भी धान देख रहे हैं तो बन थे के संदेश देना चाहोगा बन साहब मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा प्रजा को काम करो जनता को काम करना जरूरी है आप दुख पालो लेकिन जनता को काम करो जनता को काम करेगा ना सबसे बढ़िया चीज वो ही है मैं तो साफ साफ यही जानू। अच्छा मारो एक अंतिम सवाल है तरह से जी मोदी जी से थे खुश हो गए देखो साहब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मैं खुश हूँ कोई नाराज कहा हुआ नाराज कहा हुआ मैं खुश हूँ मतलब प्रधानमंत्री यदि खुश होया फिर एक व्यक्तिगत तरीके से खुश हो ना देखो प्रधानमंत्री आज जो राजनीति में राजा होके बैठे हैं तो बहुत नाराज क्या होगा या बताओ थे खुश रहना मतलब बाबा तो कुर्सी पर इज्जत बैर कौन बंदा ना खुश यहाँ पा खुशी हाँ मैं मोदी जी भी खुश सबसे खुश आप देखो मेरी बात सुनो मैं थाना हकीकत बात करूँ आपने मतलब खुश की थे पूछो ना तो मैं कोई पार्टी का बंदे आदमी कौन है समझा ने मैं यह चाहूँ कि जनता की सेवा हो जनता की सेवा होना जरूरी है जगह पानी की समस्या है तो पानी की समस्या दूर करो जगह खान पान की समस्या है तो वह दूर करो जगह मकान नहीं है तो जगह मकान बनवाओ समझा ने मत तो यह जानो गरीब है इसकी सेवा करो ये जो गा भैंस गा फिरे अवारा अकी भी सेवा करो अने कोई
या गौशाला या बढ़ा के अन्न अन्न इकट्ठी करके अन्न भी दो लो तो अन्न भी खोब है और आपने बस समस्या को नहीं चाहे कोई वहां पर सब बराबर ही है आपने सब बराबर मतलब आप लोगों के पंचायत को काम होना चाहिए बाकी सब बराबर से कुछ कर ले लो। तो अभी आप सरपंच से बातचीत करी है एक छोटो सा सवाल पूछे हो मान्य राजनीति लेकर के मोदी जी के बारे में क्या विचार है तो आपको कहना है कि मोदी जी से हमारे कोई दिक्कत को नहीं क्योंकि जनता को विकास हो रहा है तो आपको विकास हो रहा है और ये खुश है अभी चीज ने देख के बाकी जनता आप देख रहे हो आप भी एक कमेंट करके जरूर बताओगा कि ग्राम पंचायत पितुसर को विकास कार्य विधान दिखाऊंगा किसो विकास कार्य है तो बात देख के खुद बताओगा ग्राम पंचायत पितुसर में कितो विकास कार्य है। साथ ही जो सरपंच जी बात कही बाकी बात से सहमत होके बाकी आप फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में एक नए प्रोग्राम के साथ में अगली पंचायत में।